परमेश्वर के दैनिक वचन। क्या यीशु का नाम परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर के स्वभाव को उसकी समग्रता से व्यक्त करता है? क्या ये पूरी तरह से परमेश्वर को स्पष्ट कर सकता है? यदि मनुष्य कहता है कि परमेश्वर को केवल यीशु कहा जा सकता है और उसका कोई अन्य नाम नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, तो ऐसे वचन वास्तव में ईश निंदा हैं। क्या तुम मानते हो कि यीशु हमारे साथ परमेश्वर का नाम अकेले परमेश्वर का उसकी समग्रता में प्रतिनिधित्व कर सकता है? परमेश्वर को कई नामों से बुलाया जा सकता है, किंतु इन नामों में से एक भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर का सब कुछ समाहित कर सकता हो। एक भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकता हो, और इसलिए परमेश्वर के कई नाम हैं, किंतु ये कई नाम परमेश्वर के स्वभाव को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव इतना समृद्ध है कि वो बस मनुष्य के जानने की सीमा से बढ़कर है। मनुष्य की भाषा का उपयोग करके परमेश्वर को पूरी तरह से समाहित करने का मनुष्य के पास कोई तरीका नहीं है। मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जो कुछ जानता है, उस सब को समाहित करने के लिए उसके पास सीमित शब्दावली है। महान, आदरणीय, अद्भुत, अथाह, सर्वोच्च, पवित्र, धार्मिक, बुद्धिमान इत्यादि, इतने से शब्द, इतनी सीमित शब्दावली उस थोड़े से का भी वर्णन करने में असमर्थ है जो मनुष्य ने परमेश्वर के स्वभाव के बारे में देखा है। समय के साथ कई अन्य लोगों ने ऐसे शब्दों को जोड़ा जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वे उनके हृदय के उत्साह का बेहतर ढंग से वर्णन करने में समर्थ हैं। परमेश्वर इतना महान है, परमेश्वर इतना पवित्र है, परमेश्वर इतना प्यारा है। आज मनुष्य की ऐसी उक्तियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं, फिर भी मनुष्य अभी भी स्वयं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में असमर्थ है, और इसलिए मनुष्य के लिए परमेश्वर के कई नाम हैं, मगर उसका कोई एक नाम नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व इतना प्रचुर है और मनुष्य की भाषा इतनी दरिद्र है। किसी एक विशेष शब्द या नाम में परमेश्वर का उसकी समग्रता में प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं है। तो क्या तुम्हें लगता है कि उसका नाम नियत किया जा सकता है? परमेश्वर इतना महान और इतना पवित्र है, फिर भी तुम उसे हर नए युग में अपना नाम नहीं बदलने दोगे। इसलिए हर युग में जिसमें परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से अपना कार्य करता है, वो उस कार्य को समाहित करने के लिए जिसे करने का वो इरादा रखता है, एक ऐसे नाम का उपयोग करता है जो उस युग के अनुकूल होता है। वो अस्थाई महत्व वाले
इस विशेष नाम का उपयोग उस युग के अपने स्वभाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए करता है। ये परमेश्वर अपने स्वभाव को व्यक्त करने के लिए मनुष्य की भाषा का उपयोग करता है। फिर भी बहुत से लोग जिन्हें आध्यात्मिक अनुभव हो चुके हैं और जिन्होंने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से देखा है, अभी भी महसूस करते हैं कि ये एक विशेष नाम परमेश्वर का उसकी समग्रता में प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ है। आह, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य अब परमेश्वर को किसी नाम से नहीं बुलाता, बल्कि उसे केवल परमेश्वर कहता है। ये ऐसा है मानो मनुष्य का हृदय प्रेम से भरा हो, लेकिन वो विरोधाभासों से भी घिरा हो, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि परमेश्वर की व्याख्या कैसे की जाए। परमेश्वर जो है वो इतना प्रचुर है कि उसके वर्णन का कोई तरीका है ही नहीं। ऐसा कोई अकेला नाम नहीं है जो परमेश्वर के स्वभाव का खुलासा कर सकता हो, और ऐसा कोई अकेला नाम नहीं है जो परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन कर सकता हो। यदि कोई मुझसे पूछे, तुम ठीक ठीक किस नाम का उपयोग करते हो, तो मैं उनसे कहूंगा, परमेश्वर तो परमेश्वर है। क्या ये परमेश्वर के लिए सर्वोत्तम नाम नहीं है? क्या ये परमेश्वर के स्वभाव का सर्वोत्तम संपुटीकरण नहीं है? ऐसा होने पर क्यों तुम लोग परमेश्वर के नाम की तलाश में इतना प्रयास लगाते हो? क्यों तुम्हें बिना खाए और सोए सिर्फ एक नाम के वास्ते अपना दिमाग चलाना चाहिए? एक दिन आएगा जब परमेश्वर यहोवा, यीशु या मसीहा नहीं कहलाएगा, वो केवल सृष्टिकर्ता होगा। उस समय वे सभी नाम जो उसने पृथ्वी पर धारण किए हैं समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर उसका कार्य समाप्त हो गया होगा, जिसके बाद उसका कोई नाम नहीं होगा। जब सभी चीजें सृष्टिकर्ता के प्रभुत्व के अधीन आती हैं, तो उसे किसी अत्यधिक उपयुक्त फिर भी अपूर्ण नाम की क्या आवश्यकता है? क्या तुम अभी भी परमेश्वर के नाम की तलाश कर रहे हो? क्या तुम अभी भी कहने का साहस करते हो कि परमेश्वर को केवल यहोवा ही कहा जा सकता है? क्या तुम अभी भी कहने का साहस करते हो कि परमेश्वर को केवल यीशु कहा जा सकता है? क्या तुम परमेश्वर के विरुद्ध ईश निंदा का पाप सहन करने में समर्थ हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मूल रूप से परमेश्वर का कोई नाम नहीं था। उसने केवल एक या दो या कई नाम धारण किए, क्योंकि उसके पास करने के लिए कार्य था और उसे मानव जाति का प्रबंधन करना था। चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, क्या उसने स्वयं उसे स्वतंत्र रूप से नहीं चुना? क्या इसे तय करने के लिए उसे तुम्हारी एक प्राणी की आवश्यकता होगी? जिस नाम से परमेश्वर को बुलाया जाता है वो ऐसा नाम होता है जिसके अनुसार मनुष्य मानव जाति की भाषा के साथ
उसे समझने में समर्थ होता है। किंतु ये नाम कुछ ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य समेट सकता हो। तुम केवल इतना ही कह सकते हो कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है, कि वो परमेश्वर कहलाता है, कि वो महान सामर्थ्य वाला स्वयं परमेश्वर है, जो इतना बुद्धिमान, इतना उच्च, इतना अद्भुत, इतना रहस्यमय, इतना सर्वशक्तिमान है। और फिर तुम इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते। तुम बस इतना जरा सा ही जान सकते हो। ऐसा होने पर क्या मात्र यीशु का नाम ही स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकता है? जब अंत के दिन आते हैं, भले ही ये अभी भी परमेश्वर ही है जो अपना कार्य करता है, फिर भी उसके नाम को बदलना ही है, क्योंकि ये एक भिन्न युग है।